हाय एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। जी हां, आज से नहीं, बहुत सालों से, कई सालों से, ज़माने से एक रिवाज हमारे देश में चलता आ रहा है। कई हम फिल्मों में भी देखते हैं, बहुत से ट्रेडिशन में भी आज भी इसको फॉलो किया जाता है। और दुनिया के हर कोने में जहाँ पे इंडियंस हैं, ये रिवाज बहुत लोग मनाते हैं। ये रिवाज क्या है? शादी की पहली रात को दूल्हे को दूध देना या फिर कपल्स को दूध देना। अक्सर हम देखते हैं कि दूल्हे को ही ये दूध दिया जाता है दुल्हन के हाथों, या फिर बहुत बार ऐसा भी हम देखते हैं जो कि रियलिटी में होता है, वो है कपल्स को ही ये दूध दिया जाता है। पर ये रिवाज का कारण क्या है, क्यों ये रिवाज मनाया जाता है? हमारे देश में शादी मतलब कोई एक दिन का फंक्शन नहीं है, ये कई दिनों तक चलने वाला एक सेरेमनी है, एक सेलिब्रेशन है, और इसमें ढेर सारी रीति रिवाजों को फॉलो किया जाता है। शादी से सिर्फ पहले नहीं, या फिर शादी तक नहीं, शादी के बाद भी काफ़ी सारे रिवाज होते हैं जो मेंटेन होते हैं, और इन्हीं में से एक है सुहाग रात के दिन दूल्हे को दूध पिलाना या फिर दूध देना या फिर कपल्स को दूध देना। एक इंटरेस्टिंग सा भी लगता है ना कि आखिर कपल्स को दूध ही क्यों दिया जाता है, कोई और चीज़ भी दी जा सकती थी, फिर दूध ही क्यों? तो जनाब, इसके पीछे मैं आपको एक कहावत बता दूं या फिर सच्चाई बता दूं कि ये सिर्फ रिवाज नहीं है या फिर ये कोई सिर्फ रीत नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मनाई जाती है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अरे, सारे रीति रिवाज तो खोखले नहीं होते ना, कुछ ऐसे भी होते हैं जो असरदार होते हैं। दरअसल अगर मैं सिर्फ दूध देने की बात करूँ तो इस दिन सिर्फ प्लेन दूध नहीं दिया जाता, बल्कि दूध के अंदर भर भर के बादाम और केसर भी मिलाया जाता है। कई कई जगह पे तो सौंफ भी डाला जाता है, कई कई जगह पे तो काली मिर्च भी डाली जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार दूध जो होता है वो बहुत पवित्र होता है, इसीलिए कपल्स को नई जिंदगी की शुरुआत इस पवित्र चीज से ही करनी चाहिए, इससे शुभ होता है, ये मान्यता है। बट वॉट अबाउट साइंस? साइंस क्या कहती है इस बारे में? साइंस ये कहती है कि बादाम और केसर का ये जो कॉम्बिनेशन है ना, वो डेडली है, यानी कि खतरनाक है। दूध, केसर और पिसा हुआ बादाम, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो शादी में होने वाले, शादी के बाद होने वाले और शादी से पहले जितने रीति रिवाजों से ये नए नवेली दुल्हन और दूल्हा थक जाते हैं, चुटकी में उस थकान को गायब कर देता है और एक अजीब सा एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूध और केसर में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि इंस्टेंट एनर्जी और ताकत प्रोवाइड करता है कपल्स को। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी कि लड़कों के लिए, और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो लड़कियों के लिए, इन दोनों के शरीर में ही इन दोनों हार्मोन्स को तेज़ी से बनाने का काम करता है ये दूध, क्योंकि इसके लिए भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और ये जो हार्मोन्स हैं, हम सभी जानते हैं कि ये कितनी अच्छी तरीके से स्टेमिना प्रोवाइड करता है कपल्स के बॉडी में, और ये डेडली कॉम्बिनेशन तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक ऊर्जा प्रोवाइड करता है कपल्स को, जिससे शादी की पहली रात का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा बन सके। यूँ तो प्यार में पड़ने वाले हर रात को ही सुहाग रात मानते हैं, पर फिर भी आज भी हम सुहाग रात को ही सुहाग रात मानते हैं, और इसी याद को, इसी मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये पुरानी मान्यताएं हैं। व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसी लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई भी टॉपिक में मुझसे वीडियो चाहिए जो इन्फॉर्मेशन के लिए हो, ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वो वीडियो लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड कीप हैविंग। बाय बाय।